India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भाटी की बेंच चार याचिका ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनटीए को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, चिंता ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा है। नोटिस नीट यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया है। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इन सबको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये सारे इशूज़ को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, सारे इशूज़ हमारी नॉलेज में हैं और हम इसको डिटेल में सुनेंगे 8 जुलाई को। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है और एक तन्मया सिंह और बाकी 20 बच्चे हैं, मैंने उनकी तरफ से पिटीशन डाली है जो कि डिफरेंट जगह से हैं और सबका जो उसमें स्कोर है वो मोर देन 600 से ऊपर का स्कोर है। तो अगर ये सारी बंगलिंग नहीं हुई होती तो आज वो दिल्ली के बेस्ट कॉलेज या इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में चुनते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर दाखिल की गई याचिकाएं 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इन याचिकाओं को इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की तय तारीख 8 जुलाई लिए कर दी गई है। क्योंकि नीट यूजी की परीक्षा को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 8 जुलाई की तारीख रखी है। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट में नीट यूजी को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दिया है। हालांकि कुछ याचिकाकर्ता की तरफ से इस मामले में दलील देते हुए कहा गया कि परीक्षा में हुई विसंगतियों को देखते हुए इसके काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगा दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 1563 छात्रों के लिए नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कराए जाने के एनटीए के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। इस याचिका में सवाल उठाया गया है कि एनटीए ने 1563 छात्रों के संख्या किस आधार पर तय की है।
परीक्षा से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 18 जून को कहा था कि परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, भले ही किसी की ओर से 0.001% की लापरवाही हुई हो, इसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। नीट यूजी 2024 को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और NTA से जवाब मांगा था। वहीं परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और NTA को भी नोटिस जारी किया। ये छात्र नीट यूजी परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनके 45 मिनट बर्बाद हो गए थे। उनकी मांग है कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया। अब बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना तय किया है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। जातीय ताने बाने में बुनी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार ने जो आरक्षण का दाव चला था उसे पटना हाईकोर्ट ने फेल कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार में EBC, SC और ST के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। अब इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य के दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। चीफ जस्टिस KB चंद्रन की खंडपीठ, गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था वो उस पर जो रोक लगी, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही NDA की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोर्ट किया जाए। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी। इसमें SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को
65% आरक्षण दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% पदों पर ही सरकारी सेवा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था, वहीं जातिगत सर्वेक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। अब नीतीश सरकार के आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के निर्णय को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने ये भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग को कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 सामान्य वर्ग के लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। एससी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है, जबकि पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या अब बीजेपी इस आरक्षण नीति को 9वें शेड्यूल में डालेगी, जिससे उसकी न्यायिक विवेचना ना हो। अगर 9वें शेड्यूल में नहीं डाला जाता है तो नीतीश की जातिगत राजनीति का क्या होगा? अगर 9वें शेड्यूल में डाला जाता है तो क्या देश के सभी राज्य की 50% प्लस आरक्षण नीति में बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस इससे सहमत होगी? वहीं क्या ये बीजेपी के लिए मौका है कि वो आरक्षण सीमा को कानूनी रूप से बढ़ाकर अति पिछड़ा वर्ग को अपना बना लें? लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो ओबीसी और जनरल क्लास के रोष से कैसे बच पाएगी? बिहार में ओबीसी रणनीति का क्या होगा? साफ है, पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि जब एक साथी पहले से ही वैवाहिक संबंध में है तो लिव इन संबंध वैध नहीं है। 7 जून को पारित आदेश में न्यायमूर्ति RMT टीका रमन ने आगे कहा कि दो वयस्क जो एक साथ रह रहे हैं, जबकि उनमें से एक पहले से ही किसी और से विवाहित है, वो अपने कथित लिव इन पार्टनर की संपत्ति पर किसी भी उत्तराधिकार या विरासत के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने ये भी कहा कि विवाहेतर संबंधों में रहने वाले जोड़े अगर अपने रिश्ते को लिव इन कहते हैं तो उन्हें नकारा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा स्थिति अलग हो सकती है, अगर दो व्यक्ति अविवाहित हैं और दोनों पक्ष वयस्क होने के नाते अपने तरीके से अपना जीवन जीना चुनते हैं। इस अदालत में पाया है कि हाल ही में विवाहेतर संबंध में लिप्त वयस्क इसे लिव इन संबंध के रूप में लेबल कर रहे हैं, जो कि गलत नाम है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। न्यायालय ने ये आदेश पी जयचंद्रन नामक व्यक्ति द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। जयचंद्रन और मार्गरेट अरुल मोझी बिना किसी विवाह के साथ रह रहे थे। जयचंद्रन पहले से ही किसी अन्य महिला से विवाहित थे और उनके 5 बच्चे थी। हालांकि उनके बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन कानून के अनुसार उनका तलाक नहीं हुआ था। इस दौरान जयचंद्रन और अरुल मोझी ने एक घर खरीदा और उसके पक्ष में समझौता पत्र बनाकर अरुल मोझी के नाम पर उसका पंजीकरण करवाया लिया। वर्ष 2013 में जब अरुल मोझी की मृत्यु हो गई तो जयचंद्रन ने एक तरफा समझौता पत्र को रद्द कर दिया और घर को अपने नाम पर वापस लेने की मांग की।
हालांकि अरुण मोझी के पिता ने अपनी दिवंगत बेटी की संपत्ति पर दावा किया और निचली अदालत ने इस पर सहमति जताई। इसके बाद जयचंद्रन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने न्यायालय को बताया कि वह और अरुण मोझी कानूनी रूप से विवाहित नहीं होने के बावजूद पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे और इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार होना चाहिए। हालांकि न्यायमूर्ति टीका रमन ने कहा कि जयचंद्रन और उनकी पत्नी के बीच वैध तलाक के अभाव में अरुण मोझी के साथ उनके कथित लिव इन रिलेशनशिप को पति और पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत गठित बाल कल्याण समिति को अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक नाबालिग लड़की के मामले में दिया गया है जिसके माता पिता ने कथित तौर पर उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से तय कर दी थी। 15 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ सुरक्षा याचिका दायर करके अपनी सहेली के माध्यम से न्यायालय का रुख किया था। लड़की ने कहा कि जब उसके माता पिता उसकी सहमति के बिना उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी सहेली ने उसका बचाव किया। जस्टिस हर्ष बंगर ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा, संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मानव जीवन के अधिकार को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए, चाहे नागरिक नाबालिग हो या वयस्क। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का नाबालिग होना ही उसे भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता। संरक्षण याचिका में कहा गया है कि नाबालिग लड़की ने जब विवाह का विरोध किया तो उसके परिवार ने उसकी पिटाई की और मौका पाकर 2 जून को अपने माता पिता के घर से भाग गई और तब से वह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रही है और आखिरकार उसने अपने दोस्त के घर में शरण ली। आरोप है कि जब नाबालिग लड़की को मदद के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो कोई फायदा नहीं हुआ और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके दोस्त के घर पर छापा मारा जहां वह रह रही थी और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया। इसके बाद उन्होंने उसकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को फंसाने की धमकी भी दी। न्यायालय ने पाया कि प्रोमिला माइनर विक्रम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के माध्यम से जिसमें पंजाब एंड हरियाणा न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जीवन के अधिकार के साथ साथ किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्व के बीच संतुलन बनाने से संबंधित प्रश्न पर विचार किया है। बाल कल्याण समिति नाबालिग के रहने खाने के संबंध में उचित निर्णय लेगी तथा बच्चे नाबालिग की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर जांच करेगी। हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई से पहले एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म महाराज देखने का फैसला किया है। फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक को बढ़ाते हुए जस्टिस संगीता के बिसेन की पीठ ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की कि वह न्याय के हित में फिल्म देख रही हैं। यह यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए सुझावों के अनुरूप है। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म को 13 जून को हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश द्वारा रोका गया। यह निर्णय भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है और उनके संप्रदाय और हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है जो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार
संहिता नियम 2021 के तहत आचार संहिता का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि इसके कुछ हिस्सों में निंदनीय और अपमानजनक भाषा है जो पूरे पुष्टिमार्गी संप्रदाय को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म कथित तौर पर 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है, जिसमें हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण और भक्ति गीतों और भजनों के बारे में गंभीर रूप से निंदा वाली जो टिप्पणियां हैं वो शामिल हैं। जैसा कि बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी जजों ने तय किया था। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि महाराज की रिलीज गुप्त रूप से की जा रही थी, बिना किसी ट्रेलर या प्रचार कार्यक्रम के, जिससे इसकी विवादास्पद कहानी को छुपाया जा सके। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि रिलीज से उनकी धार्मिक भावनाओं को अपूर्णीय क्षति होगी। फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से तत्काल अपील करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ओटीटी प्लेटफॉर्म की वैश्विक पहुंच को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि फिल्म की रिलीज से होने वाले नुकसान की भरपाई करना लगभग असंभव होगा। प्रतिवादियों ने याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई है और उनके वकील ने दलील दी कि अदालत को पहले फिल्म देखनी चाहिए और फिर मामले की योग्यता पर विचार करना चाहिए। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्हें अदालत द्वारा फिल्म देखने और यह तय करने में कोई आपत्ति नहीं है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है या नहीं। इस मामले की सुनवाई 20 जून को जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी ने कहा कि चरणप्रीत को हवाला के जरिए 45 करोड़ मिला था, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। इन दलीलों का केजरीवाल के वकील ने काउंटर किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई में ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि फंड का एक हिस्सा गोवा चुनाव के दौरान गोवा में अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके दस्तावेजी साक्ष्य भी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 7 सितारा होटल ग्रैंड हयात होटल में अरविंद केजरीवाल कमरा नंबर 7215 में ठहरे थे। उसके लिए 1,00,000 रुपए का भुगतान 50,000 रुपए की 2 किश्तों में किया गया। चरणप्रीत ने पेमेंट का अरेंजमेंट किया था। कोर्ट चरणप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। चरणप्रीत को हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए मिला था, इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। गोवा चुनाव में जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ, इसका दस्तावेजी सबूत है और बयान भी इसके बारे में बताया है। एएसजी राजू ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच नहीं कर रही है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि चरणप्रीत गोवा चुनाव की कैंपेन देख रहा था। चरणप्रीत की विनोद चौहान से व्हाट्सएप पर नियमित बातचीत होती थी, इसके सबूत है कि पैसे का लेन देन हुआ है। एएसजी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की विनोद चौहान से अच्छे संबंध थे। उन्होंने पूछा कि एक मुख्यमंत्री का ऐसे व्यक्ति से क्या लेना देना है जिसने वास्तव में गोवा चुनाव के लिए नकदी हस्तांतरित की है। इसके अलावा चुनाव में खड़े हुए आप उम्मीदवारों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें नकद पैसे मिले थे। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि वह अपने फोन का पासवर्ड नहीं देंगे, इसीलिए हमें विनोद चौहान के फोन पर निर्भर रहना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपने अपराध न किया हो, लेकिन आपके मामलों के लिए जिम्मेदार है और अगर पार्टी किसी अपराध के लिए दोषी है तो पीएमएलए की धारा 70 के तहत केजरीवाल अपराध के दोषी है। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से अपना जवाब देते हुए कहा गया कि आज की तारीख में अभी भी मैं सीबीआई मामले में आरोपी नहीं हूं। मेरा सवाल है कि मुझे 21 मार्च को गिरफ्तार क्यों किया गया, उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के वकील ने आरोप लगाया कि ईडी क्या वह स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर ईडी अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही है तो ये क्या एक ठोस जांच है।
ईडी अभी भी गिरफ्तारी और मूल्यांकन कर रही है, लेकिन बयान देते रहे कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। फिलहाल केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।